In Delhi, which we've been talking about, the shortage of oxygen supply also recorded its highest ever COVID deaths on Monday, 240 in 24 hours. Latest numbers coming in have said that Delhi has also crossed over 30,000 cases today. What does this mean for patients in Delhi struggling to get hospital beds? Sonakshi reports. मैंने हाथ जोड़ जोड़ के बेड अरेंज किए थे, हाथ जोड़ जोड़ के अपनी मम्मी के लिए रात को। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, मैं अमित शाह से पूछना चाहती हूँ, बंगाल में रैलियां कर रहे हैं वो, यहाँ क्या पेशेंट मर रहे हैं, इनको दिखाई नहीं देता। The national capital reported its highest COVID deaths ever on Monday, 240 in 24 hours. India too witnessed its deadliest day on Tuesday with over 1700 COVID deaths, its highest ever. But as India's COVID crisis deepens, families scramble from pillar to post for beds, oxygen and answers. मैं LNJP से यहाँ पे रेफर किया था। यहाँ पे रेफर करने के बाद सुबह मैं यहाँ पे आया, 3 बजे मेरे पापा को एडमिशन किया। मैंने हाथ पैर जोड़ जोड़ के मैंने कहा ये मेरे परसों की बात है और है ना, कहा जाए ना मेरे पापा की डेथ हो गई है। Suraj's younger brother did not even get a chance to say a final goodbye to his father through a video call. एम्स गया, सफदरजन गया, ठीक है, आरएमएल गया, भाई जीटी भी गया, सब जगह गया, कहीं ने भर्ती नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आके चार घंटे में खड़ा रहा एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस वाला कह रहा भाई जब तक भर्ती नहीं करेगा मैं यही रखूंगा एम्बुलेंस। 7 बजे आके कोई एक सीनियर आया, उसने कहा चलो इनको अंदर ले जाओ, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। फिर अंदर ले गए, उसके बाद 3 दिन तक 4 दिन तक कोई डैशबोर्ड वाले खबर ही नहीं दे रहे कि कहाँ है पेशेंट, कहाँ पे गया, कुछ नहीं बता रहे। सुबह से लगे पड़े कह रहे मेरा डाटा नहीं चल रहा है, अपडेट नहीं हो रही है, एप्लीकेशन नहीं हो रही है। फिर अब जाके SDM आया तो उसने लिखा, फिर उसके बाद ले गया ऊपर, फिर नीचे कोई आया उसने कहा तुम्हारे डैडी एक्सपायर हो गए रात में, और अब जाके बताया। Not just that, at hospitals, families patiently camp outside, citing patient care problems. यहाँ पे अंदर देखभाल के लिए अगर मानता हूँ कि अंदर पेशेंट हैगा, आप उसको जाने नहीं देते हैं, तो अंदर खाना खिलाने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए कोई तो होना चाहिए। यहाँ पे मैं संडे के दिन सुबह करीब 6 बजे में आ गया था, सही है, 6 बजे से मैंने यहाँ पे देखा है एक भी पेशेंट ठीक होके नहीं जा रहा है। जो अंदर जा रहा है मैडम वो मट्टी ही आ रही है, मर रहा है आदमी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अरविंद केजरीवाल से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि केयर करो, किसी केयर नहीं होती यहाँ पे अस्पताल के अंदर, कोई नहीं देखने वाला यहाँ, कोई नहीं है। As India continues to fight an unprecedented medical emergency with an already overburdened staff, many grieving families continue to gasp for breath and a bed. With camera person Sushil Rathi in Delhi, Sonakshi Chakravarti for NDTV.